जी, ये गगन अब तक आया कैसे नहीं? पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ। पता नहीं सर, फोन करके उसने बोला था कि बहुत अर्जेंट काम है, अभी आके मिलो। काम तो वैसे जरूरी होगा, वरना ऐसे नहीं बुलाता हुआ। हाँ सर, जब भी फोन करके बुलाया है कुछ काम की खबर दी है उसने। है खबरी, लेकिन बड़े काम का आदमी है सर, इसीलिए तो छूट दे रखी है अपराधियों के साथ रहने की, नहीं अब तक तो जेल में होता। यहीं पे बुलाया है ना उसने? हाँ सर, यही जगह बताई थी, ज़्यादातर इसी जगह पे आके मिलता है हमसे। I'm sorry, sir. मैं उसे बचा नहीं पाया। लेकिन डॉक्टर साहब, जब हम इसे यहां लेकर आए थे तब तो ये जिंदा था ना? नहीं सर, इसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था, शरीर गर्म था इसलिए हमने कोशिश की, शायद बच्चा है। सर, हो सकता है बिजली कड़कने की वजह से हार्ट अटैक वगैरह आ गया। नहीं सर, एक्चुअली इसकी मौत की वजह कुछ और है। क्या? इसकी मौत की वजह कुछ और है? जी सर। क्या क्या वजह हो सकती है? अब ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभिजीत, बॉडी को फोरेंसिक लैब लेकर चलते हैं, डॉक्टर साळुंखे बताएगा क्या हुआ है। सर, अगर आसमान से बिजली इसके ऊपर गिरती तो इसके सिर्फ हाथ और पैर ही क्यों जलते? इसका तो पूरा का पूरा शरीर जल जाना चाहिए था ना? बिल्कुल तारिक, बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जल जाती हैं। इस आदमी का तो नामो निशान मिट जाना चाहिए था। अरे बिजली हमारी आंखों के सामने सामने गिरी इस पर, जलकर ये बेचारा बेहोश हो गया था। नहीं बॉस, अगर आसमान से गिरी हुई बिजली का करंट इसे लगता तो आप लोग इसकी लाश लेकर के नहीं आते, इसकी राख लेकर के आते। मगर साळुंखे, बिजली का झटका तो लगा है इसे। हाँ, करंट तो लगा। ये कौन सी वाली बिजली है सर? ये किसकी आवाज? सर मैं बोला। इनकी तारीख? सर सॉरी सर, मैं मुझे पहले बता देना चाहिए था। ये निखिल है, इंस्पेक्टर निखिल, सीआईडी में नया है। ओ, नया इंस्पेक्टर है। तो ये लैब में पहले ही दिन इसके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों, और वो भी एसीपी प्रद्युमन के सामने? तुम्हें मालूम है एसीपी प्रद्युमन के सामने अगर हंसना हो तो दीवार की तरफ मुंह करके सिर्फ 2 सेकंड के लिए हंस सकते हो, सिर्फ। अरे सीख जाएगा साळुंखे साहब, सीख जाएगा। क्या भाई, तुम्हें मालूम नहीं था? नहीं सर, सॉरी सर। क्या सॉरी सर, साळुंखे साहब के सामने हमारी नाक कटा दिया सर। मैं तो बस एक बच्चे, जब दो सीनियर बात कर रहे हो ना तो बीच में अपनी चोंच नहीं डालनी चाहिए। अरे बच्चा है सर, माफ कर दो। जल्दी से माफी मांग लेना, वरना साळुंखे साहब ये केस छोड़ के भाग जाएंगे। मैं जब जब यहाँ पे आता हूँ मुंह को ताला लगा के आता हूँ। ओह अच्छा, तुम कब से सुधर गए फ्रेडी? सॉरी सर, आगे से गलती नहीं होगी। हाँ तो साळुंखे, हाँ तो मैं ये बता रहा था बॉस कि जिस तरीके से इसके हाथ और पैर जले हुए हैं उससे लगता है कि इसे 250 वोल्ट की बिजली का करंट लगा है। अगर साळुंखे करंट लगा तो लगा कैसे,
वहां पर तो कोई तार या कोई केबल भी टूटा हुआ नहीं था, बस सिर्फ एक बिजली का खंभा था। बस इसके हाथ और पैर देखने से पता चलता है कि इसने किसी ऐसी चीज को पकड़ा था जिससे वो करंट इसके शरीर में आ गया और इसके हाथ पैर जल गए। सालुंखे साहब, इसने हमारे सामने बाइक पोल पे लगाई, उसी समय बिजली कड़की और फिर हमने देखा ये जलने लगा और इसकी बाइक भी। उस पोल में करंट होगा अभिजीत, तभी तो जैसे ही बाइक पोल से चिपकी उस पे करंट आ गया। मगर सर, बाइक का टायर कैसे जल सकता है? टायर तो रबर का बना होता और रबर में तो करंट पास नहीं होता। ये तुमसे किसने कहा है? देखो, अगर हाई वोल्टेज करंट हो और अर्थिंग मिल जाए तो बॉस रबर के टायर में भी करंट पास हो सकता है। और वैसे भी अलग अलग किस्म के रबर होते हैं, है ना सालुंखे, जैसे स्टील बेल्ट रबर या कार्बन रबर। एग्जैक्टली, और कई बार तो ऐसा होता है कि हाई वोल्टेज करंट की वजह से इन रबर में आग भी लग सकती है। और देखो, तार में तो स्टील के वायर भी होते हैं, तो हो सकता है स्टील के वायर के थ्रू करंट पास हो गया। अब ये एक बार फिर से उस बिजली के खंभे के पास जाकर के छानबीन करनी होगी। इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट के लोगों को भी वहां बुला लो। बुला जाओ जल्दी, चेक करो खंभे। सर, पोल में करंट आ रहा है। जरा बाइक चेक करो। सर, बाइक में भी करंट आ रहा है। पर गगन ने जैसे ही बाइक पोल पे लगाई होगी, करंट बाइक पे आ गया और उसके बाद गगन को करंट लग गया। जरा ये जंक्शन बॉक्स खोल कर देखो। सर, ये देखिए, बाइक का स्टैंड खराब है, इसीलिए गगन ने बाइक को खंभे को लगा के रखा होगा। सर, ये देखिए, ये वायर कटे हुए हैं और पोल से जुड़े हुए हैं। सर, इसका मतलब है कि जानबूझ के काटा है और ये खून है। सर, खूनी जानता था कि ये गगन हम लोगों से हमेशा यहीं आके मिलता है। अभिजीत, खूनी ये भी जानता था कि गगन की बाइक का स्टैंड खराब है और फिर गगन इसी खंबे पे आके अपनी बाइक लगाता था जब वो हमें मिलने आता था। हो सकता है सर, शायद खूनी अच्छी तरीके से जानता हो गगन को। हेलो सर। हेलो निखिल, तुम अभी नए हो, अभी तुमने फ्रेडी का कमाल देखा ही कहां है। ये लोग अगर सारा केस मेरे ऊपर छोड़ दे तो इस केस को मैं ऐसे ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दूं। चुटकियों में? सर, वैसे भी मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है सर। अच्छा, फिर तो तुमने ये भी सुना होगा कि दया सर को दरवाजा तोड़ना मैंने ही सिखाया है। अरे देखते क्या हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो कभी कभी मैं थक जाता हूँ तो उन्हें कह देता हूँ दरवाजा तोड़ने के लिए, तो वरना दयासर तो। पर दयासर के बारे में आप ऐसी बातें मत करिए। क्यों भाई, दयासर को क्या पर लगे हैं? देखिए, वो मेरे गुरु हैं और मैं उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता इस तरह के। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि कभी कभी मैं भी दयासर की मदद करता हूँ दरवाजा तोड़ने के लिए। और सर, गगन ऐसे मरने वालों में से नहीं था, अपराधियों के साथ रहता था वो, और मैंने उसे कई बातें सिखा रखी थी, हर दांव पेच मालूम था सर उसे, कोई ना कोई उसके पीछे पड़ा हुआ था सर काफी दिनों से। और वो जो भी कोई है वो जानता था कि गगन हमको क्या बताने वाला है। सर, कैसे भी करके ये पता लगाना चाहिए कि वो बात क्या थी, हो सकता है कोई बड़ी घटना के बारे में हो। हाँ सर, वैसे तो वो मुझसे 3-4 दिन बाद मिलने वाला था, मगर उसने फोन करके बुला लिया मुझे, कोई तो बड़ी बात थी सर। गगन का रिकॉर्ड है ना हमारे पास? हाँ सर। बस तो देखो किन किन लोगों को जानता था, उन्हीं से हमें पता चलेगा। सर, उसके परिवार वालों से भी पूछताछ करते हैं। हाँ भैया, परिवार वालों से भी पूछताछ करो, उसके फोन रिकॉर्ड चेक करो, देखो वो किस किस से बात करता था, किस किस से मिलता था। जैसे भी हो, हमें पता लगाना ही चाहिए कि ये किसका काम है।
चींटियां हैं क्या? काई को बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो? वो गगन यहीं पे रहता है ना? हाँ यही रहता है, लेकिन घर पर नहीं है वो। खाली पीली नींद खराब कर देते हैं। कितनी बार समझाया उसे कि कस्टमर घर पे मत बुलाया कर, मत बुलाया कर। हम लोग कस्टमर नहीं है, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी साहब आइए ना, आइए साहब। अब क्या हुआ साहब? मेरे पति ने फिर से उल्टा सीधा कुछ किया क्या? देखिए साहब, अब उसे सब कुछ छोड़ दिया है। अब तो मेरे मरित ने प्लम्बर का धंधा शुरू कर दिया है। हमें मालूम है। तो फिर क्या हुआ साहब? देखिए, आपके पति ने तो कुछ नहीं किया। तो फिर वो बताइए ना, क्या किया मेरे मरित ने? आपके पति की मौत हो गई, किसी ने खून कर दिया उसका। बेहोश हो गई, पानी ले जाओ, जल्दी। सरना बर्दाश्त नहीं कर पाई बेचारी। देखिए, जो कुछ होना था वो हो गया। गगन की मौत का हमें भी बहुत दुख है। खबरी था वो हमारा। खबरी बना के मरवा डाला आप लोगों ने उसे। मुझे पता होता तो मैं ऐसा काम उसे कभी नहीं करने देती। सीआईडी की मदद करना कोई गुनाह नहीं है। आप हमें ये बताइए कि कोई दुश्मन था गगन का? मेरे पति ने हमेशा सबका भला किया है। जिसके पास पैसे नहीं होते थे, मुफ्त में काम कर देते थे उसका। ऐसे भले इंसान का कोई दुश्मन कैसे हो सकता है साहब? देखिए, कोई ना कोई तो उसका दुश्मन जरूर था, जो उसके पीछे लगा हुआ था। मतलब उसको कैसे पता चलता कि वो हमसे मिलने वाला था? देखिए, अगर आपको मालूम है तो आप बता दीजिए, वरना वो दुश्मन आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। मैंने कहा ना ऑफिसर, उनका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। अच्छा, आप पिछले कुछ दिनों में कोई मिलने आया था उसे? देखिए प्लीज, आराम से सोच के बताइए। कोई ऐसा आदमी उससे मिलने के लिए आता था जिस पे आपको शक हो? नहीं साहब, घर पे तो कोई नहीं आया था। लेकिन हाँ, गगन कैरम क्लब जाते थे, और पिछले 5-6 दिन पहले जब वो कैरम क्लब गए और वहां से लौटने के बाद कुछ टेंशन में लगे मुझे। टेंशन? किस बात की टेंशन थी उसे? मैंने पूछा उनसे कि क्या हुआ, मुझे बताइए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस कहा कि टेंशन है, बहुत जल्द सीआईडी से मिलना पड़ेगा। ये कैरम क्लब कहां पर? हाँ जी, हाँ जी, ये गगन के नाम से ही फोन है। मिल गया रिकॉर्ड? हाँ, तो आप मेल कर दीजिए ना। या थैंक यू वेरी मच। जरा मेल चेक करना, उन लोगों ने गगन के फोन का रिकॉर्ड हम लोगों को मेल किया है। देखते हैं किसका किसका फोन आया था और किसे फोन किया था इसने। मेल आ गया सर। हाँ, ओपन करो, देखो। ये नंबर तो, ये देखा, कई बार फोन आया इस नंबर से। हाँ सर, 20 बार आया। 20 बार? हाँ दया, क्या खबर, क्या बोला गगन की बीवी ने? अच्छा, 6 दिन पहले कैरम क्लब से आया तो टेंशन में था। ओके, फोन रिकॉर्ड चेक कर लेता हूं। नहीं, वो मंगा लिया मैंने। या ओके ओके, 6 दिन पहले इसे फोन आया था, उसके बाद से काफी टेंशन में था। 6 दिन पहले किसका फोन आया था? ये तो वही नंबर है जहां से 20 बार फोन आया था। जरा पता करो किसका नंबर है। So, ये एसटी पुलिस स्टेशन का नंबर है। क्या? एसटी पुलिस स्टेशन का?
खेलने के लिए नहीं आया, एक खिलाड़ी के बारे में कुछ जानकारी लेने। किस खिलाड़ी के बारे में पूछना है सर? गगन के बारे में। गगन भाई, हाँ वो आता तो है लेकिन आज नहीं आया है, तो काम हो तो बताइए, आएगा तो मैं बोल दूंगा उसको। वो अब कभी नहीं आएगा यार। कैसी बातें कर रहे हो साहब, कौन है आप लोग? हम लोग CID से। CID? हाँ, गगन का किसी ने खून कर दिया। गगन भाई का खून कर दिया किसी ने? या उसके दोस्त कौन कौन है? डैनी और काका। इस वक्त कहाँ मिलेंगे दोनों? मिलेंगे कहाँ साहब, यहीं है। आइए सर। डैनी काका, CID वाले आए हैं आपसे मिलने। CID हमसे मिलने क्यों आई है? हमने क्या किया? हमें गगन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। सर उससे जो पूछ रहे हैं साहब, उसी से पूछो ना। जाओ गगन को उसके घर से बुला के ला। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ पूछा जाए उसका साफ साफ जवाब दो बस। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों गगन के अच्छे दोस्त हो ना? जी। हाँ। गगन अभी कहाँ है मालूम है? नहीं सर। देखो कल रात किसी ने गगन का खून कर दिया। खून गगन का? किसने किया सर? 6 दिन पहले गगन तुम लोगों के साथ यहाँ पे आया था। 6 दिन पहले? हाँ 6 दिन पहले वो हम लोगों के साथ यहाँ पे आया, कि हम लोगों के साथ यहाँ से गया नहीं था। तो फिर किसके साथ गया? अपने किसी और दोस्त से मिलने के लिए बोल रहा था वो। ये तुम दोनों के अलावा उसका नया दोस्त कौन आ गया? साहब तो हम लोगों के अलावा कौन सा नया दोस्त है हमें तो नहीं मालूम, पर हाँ हम लोगों के चले जाने के बाद वो काफी देर तक यहीं बैठा था। उसके बाद सर उससे कौन मिला क्या हुआ कुछ नहीं पता सर। अच्छा ये बताओ कि तुमने यहाँ पे गगन से मिलते हुए किसी को देखा क्या? आप मिलते हुए नहीं देखा, मैंने भी काफी देर तक बैठा रहा यहाँ पर। अच्छा उसका यहाँ पे किसी के साथ झगड़ा था? हाँ सर था, जीतू और गगन में आपस में नहीं बनती थी, 36 का आंकड़ा था साहब। जीतू कौन है? सर हमने उसका नाम तो सुना है सर, लेकिन हम जानते नहीं कि कौन है वो। मैं जानता हूँ सर जीतू को, कई बार मेरे सामने झगड़ा हुआ है उन दोनों का। जीतू ने धमकी भी दी थी जान से मारने की गगन को। सर कहीं जीतू ने तो नहीं? ये जीतू कहाँ रहता है सर, उसका एड्रेस है? सर बोरीवली में कहीं रहता है। सर आप लोग यहाँ क्या हो सर? गगन नाम के आदमी को जानते हो? गगन? हाँ ये उसकी फोटो है। नहीं सर इस आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस गगन को यहाँ से इस पुलिस स्टेशन से कई बार फोन किए गए हैं। यहाँ से? हाँ। आप में से किसी ने गगन नाम के किसी आदमी को फोन किया था? नहीं सर। गगन के फोन रिकॉर्ड में यहाँ का फोन नंबर है, फोन तो यहीं से किया गया है। पता नहीं सर। याद कीजिए कोई बाहर का आदमी हो सकता है, यहाँ तो बहुत लोग आते जाते हैं। जी नहीं सर, बाहर का कोई भी आदमी फोन को हाथ नहीं लगा सकता। फिर तो कोई यहीं का आदमी है जो खूनी के साथ मिला हुआ है। अगर तुम में से किसी ने गगन को कॉल किया है या उसके बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे बता दो, अभी भी वक्त है। नहीं सर हमने नहीं किया। नहीं सर मैंने फोन नहीं किया। तुम जा सकते हो। सर ये तीनों नहीं भरते हैं, मुझे उन्हीं पर शक था। कोई बात नहीं, अगर कुछ पता चले तो हमें बता देना। ओके सर। बिना फोन किए तो नंबर आएगा नहीं, और ये लोग कह रहे हैं फोन नहीं किया। अभिजीत फोन यहीं से किया गया है, अब किसने और कैसे वही देखना है। सर लगता है पता चल गया कि फोन कहां से किया गया है। अच्छा कहां से? वो देखिए ये जंक्शन बॉक्स पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास में है, हो सकता है यहां से कुछ छेड़छाड़ की गई हो। काम करो, टेलीफोन वाला को बुलाओ, पता चलेगा किसने क्या किया है यहाँ जंक्शन बॉक्स से। इस एरिया के सारे टेलीफोन लाइंस इसी जंक्शन बॉक्स में जुड़ी हुई हैं। हाँ सर। उधर पुलिस स्टेशन की लाइन चेक करो, देखो किसने कुछ छेड़छाड़ किया है क्या।
ये देखिए सर, ये तार टूटा हुआ है। तो इसका मतलब है अभिजीत खूनी ने इस वायर को तोड़कर दूसरी वायर लगाकर फोन किया और फिर पहले ये सी जोड़ के रख दी है। मगर सर इतनी सारी लाइन्स जा रही है यहाँ से, तो फिर खूनी को कैसे पता चला होगा कि कौन सी लाइन पुलिस स्टेशन की है? हो सकता है टेलीफोन डिपार्टमेंट का कोई आदमी मिला उसे। नहीं सर, आप हमारे ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। तो ये कैसे हुआ? ध्यान कैसे नहीं गया तुम्हारा? ताला टूटा हुआ है, वायर कटी हुई है। सर हम लोग महीने में एक बार चेक करने के लिए यहाँ पे आते हैं। पिछले महीने आए थे तो सब कुछ ठीक था सर। तुम लोगों के अलावा कोई और आता है ये चेक करने के लिए? नहीं सर, ये एरिया हम दोनों ही देखते हैं। अभिषेक एक बात समझ में नहीं आ रही है, खूनी ने यहीं से फोन क्यों किया? शहर में इतने सारे पीसीओज है, जंक्शन बॉक्सेस है, यहीं से क्यों? सर हो सकता है खूनी इसी एरिया का हो, आसपास का रहने वाला। एरिया में तो जीतू भी रहता है जो गगन को जानता है, कहीं उसी ने तो फोन ही किया। काजल, ये जीतू गगन को सिर्फ जानता नहीं है बल्कि उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है, जान से मारने की। जीतू से मिलना पड़ेगा अभिजीत। ये अरे दादा, ये जीतू यहीं पे रहता है ना? हाँ, यहीं रहता है। क्या वो घर पे? क्या मालूम, होगा जाके देख लो। जीतू। हाँ, क्या हुआ? बस तुझसे मिलने चले आए। आप लोग हैं कौन? तेरे दूर के रिश्तेदार हैं, तुझे साथ ले जाने आए हैं। अरे भाई साफ साफ बताओ कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी? हाँ। गगन का खून क्यों किया? क्या गगन का खून हो गया? अब ये एक्टिंग वैक्टिंग खत्म हो गई हो तो आगे बढ़े। हाँ, क्यों मारा गगन को? सर सर मैं गगन को क्यों मारूंगा, मेरी उससे क्या दुश्मनी है? तेरा झगड़ा हुआ था ना उसके साथ कैरम क्लब में। सर जब मैं किसी कैरम क्लब गया ही नहीं तो झगड़े का तो सवाल ही नहीं उठता ना। ये गगन जहाँ पे रहता है उसके घर के पास में नुक्कड़ पे एक कैरम क्लब है, कुछ याद आया तुम्हें? नुक्कड़ पे कैरम क्लब? तेरे पास सिर्फ एक सेकंड है, जो कुछ मालूम है सच सच बता, वरना मेरा एक हाथ पड़ेगा तो 10 दिन तक तेरा दिमाग झंझनाता रह जाएगा। तू वहां पर कैरम क्लब में गया था, तुझे लोगों ने वहां पे देखा था और तेरा झगड़ा भी हुआ था गगन के साथ में, सच बोल, हुआ था या नहीं? हाँ सर याद आया। अच्छा हुआ, जल्दी याद आ गया। गगन के साथ झगड़ा हुआ था ना? वो तो सर ऐसे ही थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई थी, बाद में बोलचाल हो गई सर। ऐसी कहा सुनी तो अक्सर हो जाती है हमारे बीच। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था तुम दोनों के बीच? वो सर पहले मैं गगन के पड़ोस में रहता था तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल को लेकर थोड़ी सी कहा सुनी हो गई थी। सर छोटे मोटे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कोई किसी को मार सकता है क्या? नहीं, पर इसने तो गगन का खून कर दिया। नहीं सर, मैंने गगन को नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। अगर कोई ये कह दे कि मैंने गगन का खून किया है तो सर आप जो मर्जी सजा दीजिएगा सर। सचिन सर, सर आप ठीक है ना? किसने गोली मारी सर? गोली लगी तुम्हें? सर वो रहा सर। देखो तुम यहां से जाओ।
पलटो इसे। सर इसके तो सीने में गोली लगी। सीने में गोली लगी है, मगर मैंने तो इसके पैर पे गोली चलाई थी, वो भी पीछे से। इसके सीने में गोली कैसे लगी? हाँ सर, अगर पीछे से गोली लगी होती तो इसकी पीठ में कहीं कोई निशान होता, लेकिन पीठ में कोई भी निशान नहीं। सचिन, किसी ने सामने से गोली चलाई है। देखो आसपास कोई छुप के बैठा है क्या? जल्दी। कैरम क्लब का नौकर? कैरम क्लब का नौकर जीतू को क्यों मारना चाहता था? जीतू, गगन और नौकर, तीन लोग। तीनों में से जीतू और गगन के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें गगन मारा गया। फिर नौकर ने जीतू को मारने की कोशिश की और खुद मर गया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इन तीन लोगों में चक्कर क्या है। सर ऐसा लगता है इनके पीछे कोई चौथा आदमी भी है, जिसने नौकर से जीतू पे हमला करवाया, मगर नौकर फेल हो गया तो पकड़े जाने के डर से उसने नौकर को भी मार दिया। मगर सर उसे पता कैसे चला कि हम लोग जीतू के घर जाने वाले हैं? वही तो या ये जो भी आदमी है जो ये सब करवा रहा है, वही हमारे हर कदम पे नजर रखे हुए है। और वो जानता है कि जीतू उसके बारे में सब कुछ जानता है, और इसीलिए उसने उसे मारने की कोशिश भी की। सर अगर जीतू को मालूम होता तो हमें बता देता, काफी डरा हुआ था सर वो। सर एक बात समझ में नहीं आई, किस नौकर ने जीतू पर हमला हम लोगों के सामने ही क्यों किया? हमारे वहां पहुंचने से पहले और वहां से निकलने के बाद भी तो कर सकता था। ये भी तो हो सकता है कि उस नौकर को तुम लोगों को मारने के लिए भेजा होगा। सर अगर हम लोगों को मारने के लिए भेजा था तो दोबारा हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा, लेकिन अगर जीतू को मारने के लिए भेजा था तो दोबारा हमला कर सकता है। सर गगन को खूनी ने फोन किया था पुलिस स्टेशन के जंक्शन बॉक्स से ताकि शक जीतू पे जाए। एक काम करो, ये नौकर जहां पर नौकरी करता था उस कैरम क्लब के मालिक को जाकर के मिलो और जरा प्यार से पूछो उससे, पता लगाओ कौन कौन मिलने आता था उस नौकर को। यस सर। हेलो, क्या कहां पे? ठीक है हम लोग आते हैं। क्या हुआ अभिजीत? सर ढलान रोड पे एक लाश पड़ी हुई है। लाश? जब तुम्हारा नौकर तुम्हारी आंखों के सामने इतनी गड़बड़ कर रहा था तो तुम्हें भी कुछ मालूम होगा ना? हा? मिला हुआ है नौकर के साथ ना तू भी? धंधे की कसम साहब, वाकई मुझे उसकी करतूतों के बारे में कुछ नहीं मालूम था। जब तुम्हारा नौकर यहाँ पे 24 घंटे पड़े रहता था तो मालूम कैसे? नहीं साहब, 24 घंटे तो नहीं रहता था, कभी कभी बाहर घूमने फिरने भी तो जाता था। उससे मिलने के लिए कौन कौन आता था यहाँ पे? साहब मिलने तो बहुत से लोग आते थे, लेकिन ज्यादातर गुंडे टाइप के लोग होते थे। ओह, तो गलत कामों में पड़ा हुआ था इसीलिए उसका खून हो गया। कल कोई आया था उसे मिलने के लिए यहाँ पे? सब मिलने तो कोई नहीं आया था। हाँ एक फोन जरूर आया था साहब, मैंने उसे बात करते हुए सुना था। क्या क्या बात कर रहा था वो फोन पे? साहब वो किसी मुर्दा घर के बारे में बात कर रहा था। मुर्दा घर के बारे में बात कर रहा था? एक कैरम क्लब में काम करने वाला आदमी मुर्दा घर के बारे में क्यों बात करेगा? और क्या सुना तुमने? सब सुना तो मैंने कुछ नहीं, उसके बाद वो फौरन मेरे पास आया और कहने लगा कि उसके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, उसे अभी का अभी जाना है। कितने बजे थे उस वक्त? साहब करीब दोपहर के 2 बजे की। दोपहर के 2? यहाँ आसपास के एरिया में जितने मुर्दा घर हैं उन सब में जाके इस नौकर का फोटो दिखा दिखा के पूछते हैं, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। चलो। जिसे फोन किया है वो भाग गया है। यही तो प्रॉब्लम है, लोग पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। एक्सीडेंट का केस लगता है। लेकिन इस सड़क इतनी दूर है काजल, और यहाँ आसपास टायर का कोई निशान भी नहीं दिख रहा है,
लगता तो नहीं एक्सीडेंट है। तो सर ये लाश यहाँ लाकर डाली गई है? हो सकता है। बॉडी को अच्छी तरीके से चेक करते हैं, देखते हैं मौत की वजह क्या है। इंचार्ज हो? जी मैं यहाँ की देखभाल करता हूँ। पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। आप लोगों को भी पता चल गया उस लाश के बारे में? लाश के बारे में? हाँ, आप उसी लाश के बारे में पूछताछ करने आए ना जो चोरी हो गई। चोरी हो गई थी? हाँ चोरी हो गई थी, उसी के बारे में। साहब मेरा विश्वास करो साहब, मुझे पता नहीं साहब वो अचानक लाश कैसे गायब हो गई। लोग झूठ बोल रहे हैं साहब कि लाश मैंने चुराई है। मैं लाश क्यों चुराऊंगा साहब? तो फिर किसने चुराई लाश? मुझे पता नहीं साहब। पता नहीं मतलब? इस जगह की देखभाल तुम ही करते हो ना, तो तुम्हें कैसे नहीं पता? सर कोई इसको बेहोश करके लाश को चुरा कर ले गया। अच्छा ये इस फोटो को देखें, ये आदमी था क्या? साहब मुझे किसी ने सिर पे पीछे से मारा साहब, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया साहब। कितने बजे हुआ ये सर? यही कल 2:30 बजे के करीब साहब। सर ये काम पक्का रामू ने किया है। हाँ सर, सर ये कैरम क्लब का मालिक बता रहा था कि रामू वहाँ से 2 बजे निकला और ये जगह वहां से 20-25 मिनट की दूरी पे है। पर रामू ये लाश चुराएगा क्यों? करेगा क्या वो इस लाश का? वैसे वो लाश थी किसकी? सभी एक एक्सीडेंटल केस था तो इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। लाश की फोटो तो खींची होगी? हाँ सब फोटो है हमारे रिकॉर्ड में। ठीक है फोटो लेके आओ। जी है तो ये एक्सीडेंट का ही केस, लेकिन ये एक्सीडेंट यहाँ नहीं हुआ है काजल। ये कैसे पता चला सर? एक तो ये लाश काफी दिन पुरानी है, दूसरा अगर एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ होता तो यहाँ जमीन पे भी आसपास खून पड़ा होता, लेकिन जमीन पे कहीं भी खून नहीं है। खून सिर्फ इस बॉडी के ऊपर है और इसके चेहरे पे, और कहीं भी खून नहीं। ये क्या है? अंगूठे में धागा? हाँ सचिन बोलो। क्या मुर्दा घर से लाश चोरी हो गई? हाँ हाँ एक मिनट जरा ये लाश का हुलिया बताना। हाँ यार जैसा हुलिया तुम बता रहे हो वैसी लाश हमारे सामने पड़ी हुई है और इसके पैर पे धागा बंधा हुआ है, वो जो मुर्दा घर में बांधते हैं ना पैर पे नंबरिंग के लिए, वैसा ही। हाँ एक्सीडेंट की लाश है। ओह ऐसा लगता है ये किसी की चाल है, लाश यहाँ पे लाके डाल दी और हम लोगों को फोन करके बुला लिया। हेलो हेलो अभिजीत सर। हे मोबाइल। तुमने ठीक पहचाना ऑफिसर, ये हम लोगों की चाल थी जो काम कर गई। मगर मैंने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि सीआईडी वाले इतने बेवकूफ होंगे जो इतनी आसानी से चाल में फंस जाएंगे। फोन कट गया तो फिर से लगाओ ना, फिर से ट्राई करो, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सर अब तो नंबर स्विच ऑफ पड़ा है। भाई स्विच ऑफ? सीआईडी वालों के कान में खुजली करेगा, मालूम है अंजाम क्या होगा। ए अंजाम अंजाम छोड़, और तू ज्यादा से ज्यादा करेगा क्या? गुदगुदी करेगा, चक्कर लेगा। मजा आता है। जब कीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तुम लोगों ने अपनी मौत को दावत दे दी है। सर काजल का फोन भी बंद आ रहा है।
दोनों का फोन एक साथ बंद है, ये तो चोरी चक्कर लगता है। अभिजीत सर भी कह रहे थे कि इन सब के पीछे कोई चाल है। सर कहीं अभिजीत सर और काजल की जान खतरे में तो नहीं है? निखिल, सीआईडी ऑफिसर्स की जान हमेशा ही खतरे में होती है। हिलना नहीं ऑफिसर, वरना गोली चल जाएगी। दे ना। अभी भी वक्त है, चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, बंद करो ये सब नाटक, समझे? तेरे मरने का टाइम आ गया, लेकिन तेरा भाषण देना अभी तक बंद नहीं हुआ ना। ऊपर जब ऊपर जाएगा ना तू, तो वहां तुझे बहुत सारे चोर लुटेरे मिलेंगे, उन्हें ही बैठकर सुनाते रहना अपनी ये कहानियां। हमें मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि जब तुम दोनों को तड़प तड़प कर मरता हुआ देखूंगा, तुम्हारे अंदर जो बदले की आग है ना, वो शांत होगी। बदला? कैसा बदला? हाँ, तुम लोगों ने मेरे भाई को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया और हम कुछ भी नहीं कर सके। कौन कौन था तुम्हारा भाई? जग्या। जग्या? जग्या तुम्हारा भाई था? हाँ, वही जग्या जिसका नाम सुनकर तुम्हारे पैर कांपने लगते हैं। न जाने कितने लोगों के घर उजाड़े हैं उसने, न जाने कितने बच्चों को अनाथ किया है। उसे फांसी नहीं होती तो क्या होती? फांसी से बढ़कर अगर कोई सजा होगी ना, वो मिलनी चाहिए थी उसे। दूंगा, उससे भी बड़ी सजा दूंगा। हाँ। ये जब चील कौए तुम दोनों को नोच नोच कर खाएंगे ना, तुम दोनों को ऐसी मौत मारूंगा कि आने वाले कई साल तक सीआईडी वाले इस बात को चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। इस खड्डे में पड़े चिल्लाते रहना और अपनी मौत को आते देखते रहना। हिम्मत से काम लो। सीआईडी ऑफिसर की जिंदगी में कदम कदम पे मौत है, मौत से क्या घबराना। हम लोग जब सुबह घर से निकलते हैं तो मालूम थोड़ी होता है कि घर वापस लौटेंगे कि नहीं। हिम्मत से काम लो। काट रस्सी। Thank you.
गुस्सा, ये दोनों जगिया के भाई हैं, पूरी सीआईडी टीम से बदला लेना चाहते थे। सीआईडी वालों से बदला? कभी सपने में भी मत सोचना, समझे? हम जेल में बैठकर बदला लेना अपने भाई की मौत का, तुम दोनों को तो फांसी होगी, फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.